डर गए। तुम्हारा जो है ना वो रेल मंत्री पीयूष गोयल वो कहाँ भट में पड़ गया, भेजता रे क्या, वो अपनी आँख क्यों ना ठीक कर लेता, इतनी दुनिया बीमार पड़ी है, सारी योग से ठीक हो रही है। जब जब किसी भी राजा ने किसान को परेशान किया है उसको जाना पड़ा है, तो ये भी जाएगा। हम इस वक्त पहुंचे हुए मोदी नगर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ आपको दिखा दे जो किसान जो है बड़ी संख्या में इस रेल का घेराव कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हरेंद्र ताऊ पहुंच चुके हैं। हरेंद्र ताऊ आंदोलन स्थल से यहाँ पहुंचे, क्या दिक्कत थी, क्यों है यहाँ पहुंच गए आप? अरे ये मुझे ऐसा लगा, तुम भी मुझे लगा मोदी मीडिया हो गए, देखो 26 तारीख को बुखार में घर चला गया था, तुमने कही ताऊ भाग गया है, अगर आज ना आता तो कल को फिर तुम भाई आंदोलन स्थल पर मेरे से करते कि ताऊ कहाँ था। तो भाई जहाँ मेरा किसान रहेगा मैं तो वहीं मरूंगा। अभी तो प्रदर्शन हो रहे थे, क्या जरूरत है यहाँ रोकने का, ट्रेन रोकने का क्या जरूरत है, ट्रेन रोकने का? हमारे जत्थेदारों का आदेश उसका पालन करते हैं हम लोग। लग रहा आपको कि यहाँ ट्रेन रोकने से सरकार मान जाएगी? हाँ मानेगी, ना मानेगी कुछ और लगाओगे दूसरा, हम पे तो सारे हथियार है, हम पे इतने हथियार है, इतनी जांच है कि अलग अलग तरह की जांच करेंगे, इसकी जैसे डॉक्टर करवावे एक जांच करेंगे, और जब बिल्कुल ना मानेगी तो लास्ट है सिटी स्कैन कर देंगे हम इसका। बस सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हुए, ट्रेन अभी तक आई नहीं। डर गए। तुम्हारा जो है ना वो रेल मंत्री पीयूष गोयल वो कहाँ भट में पड़ गया, भेजता रेल आज कहाँ भट में है, क्या वो मोदी से का रेल भेज दे, क्यों ना चला रहे, सबके टाइम बदल दिए, ट्रेनें नहीं चला रहे, रोक रखी है सरकार, तो मान नहीं रही बात, ट्रेन रोकने से बात माने ये भाई। हम तो एक परीक्षा देना चाहते हैं देशवासियों से, हमारा ट्रेन रोकना को नहीं है, कभी हम गलत काम करें कोई वैसा काम करे, हम तो देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल इन्होंने लागू कर रहे हैं, कोरोना काल में बिल पास कर रहे हैं, पब्लिक सड़क पर आए नहीं, आप ऑटोमेटिक इन्होंने बिल बढ़ा दी, ये दिल जो बिल जो बनाए हैं ये देश के लिए खातक नहीं रही है। देखिए 12 से 4 का टाइम है और 12 से 4 तक हमारा उद्देश्य था कि ट्रेनों के पहिए जाम करना, अब ये इन्होंने पहले ही डर के कर दिया, तो सरकार डर गई ना, उसने चलने ही नहीं दी ट्रेन, तो हमने तो पटरियों पे बैठे हैं कि 4 बजे तक जत्थेदारों का आदेश है कि 12 से 4 ट्रेन रोकनी है, तो ट्रेन पटरी पे नहीं चलने देनी। ये आप कह रहे सरकार डर गई होती तो अभी कानून वापस हो जाता ना। अरे अभी नहीं हुआ, आपत आ गई कुछ और हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, उससे अगले साल हो जाएगा, कोर्ट जी आप बता बैठे रहोगे, अरे आंदोलन में चलेंगे 4 बजे के बाद, आंदोलन जारी रहेगा, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। हम लोग दिक्कत हो रही है ना, किसी को कोई दिक्कत है, किसको दिक्कत हो रही है, अरे उनके लिए फायदा है, एक दिन की दिक्कत जीवन भर की परेशानी से बचाएगी, कि आपको जो अनाज 100 रुपए किलो मिलने वाला है किसान उसके लिए लड़ रहा है, और किसी को दिक्कत हो रही है उससे माफी मांगते हैं थोड़ी सी दिक्कत के लिए। स्टेशन में भी बहुत लोग बैठे हुए ट्रेन के इंतजार में, आपके डर से ट्रेन आ नहीं रही। अभी तो तुम कह रहे वो डरा नहीं, अभी हमारे डर से ट्रेन नहीं आई, अभी आपको अपनी बात पर रहिए, आएगी देखेंगे 4 बजे के बाद चला लेंगे, ये तो सब अपने ही है, सारा देशवासी अपने हैं, अगर जिनको ट्रेन से जाना कैसे आराम से बैठे ना, कोई दिक्कत कोई नहीं, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था। पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया है, हो गया सुपड़ा साफ, ऐसा ही देश से भी सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जब जब किसी भी राजा ने किसान को परेशान किया है उसको जाना पड़ा है, तो ये भी जाएगा। राजनीति नहीं कर रहे हैं लग रहा है, क्यों हम कलाबाजी करने लगे हैं? नहीं आपको लग रहा कलाबाजी करने लगे हैं कि राजा तो गर्दन काटे और हम कोई शब्द ना बोले तो फिर तो कायर हो जाएंगे, और किसान कायर नहीं है। आंदोलन वहां पे कर ही रहे थे, अब रेल जम कर दिया आप, अगला आंदोलन आपने आंदोलन देखे नहीं है, आंदोलन की रणनीतियां होती है,
जैसे जब शरीर में बीमारी हो जाती है तो उसकी जांच होती है, ऐसे ये भी आंदोलन की एक रणनीति है, ऐसे ही चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। चिंता साहब ने ऐलान कर दिए कि अब वो जाएंगे बंगाल, आप लोग पटरी पे बैठ गए, तो आप भी तो सरकार की तरह राजनीति कर रहे हैं। हम वहाँ किसानों को बताएंगे कि बंगाल के किसानों होशियार हो जाओ, ये हमारे यहाँ आए थे, हमें सड़क पे ला दिया, हमें पटरी पे ला दिया, तो आप होशियार हो जाओ, अगर आपने इन्हें अपने यहाँ चुन दिया तो आप भी सड़क पे आओगे, आप भी पटरी पे आओगे, आप भी भूखे मरोगे। तो ये हरिंदर ताऊ थे जो बता रहे थे कि आंदोलन तो ये लोग कर रहे हैं और तरह तरह से अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर, क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी आप लोगों की? माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी सरकार को। सरकार भी तो हमने बनाई है, बस सरकार हमारी तो सरकार को बात तो माननी पड़ेगी। सुबह से आप लोग यहाँ जाम कर रखे हैं, रेल आ नहीं रही है, रेल नहीं आ रही है, प्रशासन ने पहले ही रोक दिया है डर के, तो इसलिए रेल नहीं आ रही है। हम तो अपना काम पूरा करेंगे ना, हमारा आदेश है पर 4 बजे तक स्टेशन पे बैठना है, रेल नहीं चलने देना है। बाबा टिकट कह देगा ना, ऐसे चलेंगे भाई हम, अगर कल को कहती रोड जाम कर दो रोड जाम कर देंगे, जी ऐसे वो कह देगा ऐसे होगी। कुछ लोग कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि संख्या कम है लोगों की, आ जाएंगे कोई दिक्कत ना, जगह जगह रोक रखे, मुरादनगर है, मेरठ है, हर जगह रोक रहे आदमी। किसान जो है अडिग है यहाँ पे आंदोलन स्थल पे और खड़े भी हैं, आपको दिखा दे कि यहाँ जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान कह रहे हैं कि जब तक ये कानून नहीं वापस हो जाए तब तक ये लोग जाएंगे नहीं, ये रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। असल क्या लग रहा है, आंदोलन तो 3 महीने चल रहा है, अब चक्का भी जाम हो गया, सरकार मानेगी? भैया हमारी सुन बात, मानने ना मानने की तुम्हारे यहाँ एक कहावत है, एक क्लास में मास्टर बैठा है और हमारे जैसे 5-7 दंडी बालक भी है वहाँ, तो वे रोड़ा मचा रहे है। जब वे रोड़ा मचा रहे 2-4 आदमी गए, उनने कहा मास्टर जी बालक डरते ना दिखे हैं, जो कहता मैं क्या ससुरों से डरूं, भैया मोदी ना डर रहा तो डर हम भी ना रहे, हम भी रेल पे बैठेंगे रुकेंगे यहीं, क्यों दिक्कत मान रहे हो। इन्होंने जो है 50 किलो का जो खाद का कट्टा 45 किलो का करवा दिया, पहले पैसे घटा दिए पैसे बढ़ा दिए, है जी हमारा जो है 200 रुपये प्रति कुंटल जो है खर्चा आ रहा गन्ने में, ये हमें दे रहे 325 रुपये का रेट, वो भी अब 2 दिन पहले गिरा। सुरेश राणा जी कल ही बैठ के कह रहे हैं उनने कि हमने जो 6 साल का पेमेंट दुआ दिया, भैया इनने अपनी जेब से दिया सुरेश राणा ने पैसा, जो आके किसानों के बीच में कहो यू है तो कृषि मंत्री जो हमारे सामने आके तो बोलो, संदीप चौधरी ने बूझी 56-57 रुपये डीजल आ, आज जो है 80 रुपये डीजल हो रहा, इनके तो पैसे बढ़ेंगे हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब तो हम आत्महत्या कर लें भाई। नहीं तो बाबा रामदेव कह रहे हैं ना कि इससे तो देश का विकास हो रहा है, बाबा रामदेव अपनी आँख ठीक कर लो, सारा पटर पटर मारे जाओ ना कैसा ही भी, हम तो कह रहे हैं साफ बात, बस बाबा रामदेव की आँख ठीक हो जाएगी तुम्हें समझ जाएगा कि भाई ना देश ठीक कर दिया, क्या हुआ अपनी आँख क्यों ना ठीक कर लेता, इतनी दुनिया बीमार पड़ी है सारी योग से ठीक हो रही है। अच्छा वो कह रहे हैं लोग कि यहाँ किसान जो राजनीति कर रहे हैं, क्या जरूरत है किसे चक्का जाम करने का? भैया किसान के घर में जाके देख, नीचे जमीन पे उतर के देखो, ये जमीन से नहीं जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हमारे चौधरी चरण सिंह है, उन्होंने कहा कि ये दिए की सरकार है, इसे गांव में मत घुसने देना, पर हमारे कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग जो है इन्होंने जो है भड़ौए में दे लिए, तो ये सरकार बना के वहां बैठ गए, ठीक है ना, अब जो है जमीन पे आओ, ये अगर ये जमीन स्तर पे आगे बात करेंगे तो बात में कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनती बात, ऐसे नहीं बनेगी भैया, हम जो है अपने हक लेके रहेंगे, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार हमारी चुनी हुई है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को दिया जाए हमें। तो किसान यहाँ पे लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और सब लोग जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है काले कानून को वापस कर दे, जैसे ये बता रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए News MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।